आगे देखेंगे तो प्रदेश की खबरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी व्यापारी नेताओं से मुलाकात की, साथ ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान हुए व्यावसायिक नुकसान पर चर्चा करते हुए प्रदेश की योगी और देश की मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा व्यापारियों की पूरी सुरक्षा सपा करेगी। वहीं वैक्सीन के सवाल पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे बयान को पूरी तरह नहीं दिखाया गया है, मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, मैंने तो ये कहा था कि मैं नहीं लगवाऊंगा। सवाल यह है कि गरीबों को कब वैक्सीन मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता का शमशान से पुराना नाता रहा है, गाजियाबाद का वह शमशान बालू से बना था। सरकार को 50 लाख रुपए की मदद करना चाहिए, जो घटना हुई उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। इससे पहले बनारस में भी ऐसी घटना हुई थी। सबसे ज्यादा लूट और बर्बादी अगर किसी की हुई है इधर उत्तर प्रदेश में तो हमारे व्यापारी भाइयों की। आने वाले समय में अगर हमें व्यापारियों का डेटा रखना पड़ेगा, बाजार के हिसाब से कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी तो सरकार रखेगी, और व्यापारियों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। इसीलिए हम जानना चाहते हैं और गरीबों को फ्री लगे, और ड्राई रन गरीबों के लिए हो रहा है कि किसी और के लिए हो रहा है। सरकार केवल इतना बता दे कि उत्तर प्रदेश के गरीबों को कब वैक्सीन लग जाएगी और फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी। उन्हें क्या पता था कि जिस छत के नीचे वो बैठे हैं वो छत बालू की बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बालू की छत बनाई है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? जो शमशान के पैसे को भी लूट ले कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। क्या मदद करना है 2 लाख की? आपको 50-50 लाख रुपए देना चाहिए।